सिरोही के आबू रोड से अब बड़ी खबर, जहां बिजली लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। 11,000 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर एलटी लाइन पर गिरा था और युवक की मौत के बाद गांव में मातम छा गया। बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर आज चनार गांव बंद और मृतक के परिजनों और समाज के लोगों का आक्रोश फूटा है। जिले भर से समाज के लोग मानपुर पहुंचे हैं। विद्युत कार्यालय विभाग की लापरवाही पर समाज के लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सदर थाना अधिकारी सहित पुलिस का मौके पर जाब्ता भी तैनात। बिजली विभाग की लापरवाही से पूरे चनार गांव में करंट दौड़ गया था। घर में करंट दौड़ने से युवक की दर्दनाक मौत हुई। मैं यहां पर एक जो है 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। उसके बाद में यहां पर जो ग्रामीण है और समाज के जिले भर के जो है प्रजापत समाज के बड़ी संख्या में जिले भर के जो समाज के लोग हैं, विद्युत कार्यालय यहां पर मानपुर में जीएसआर के यहां पर विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर घेराव किया है। उनकी विभिन्न मांगों को लेकर जो है यहाँ पर थाना अधिकारी, सदर थाना अधिकारी और विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ गोर नारेबाजी जताते हुए और यह भारी तादाद में विद्युत कार्यालय के बाद प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही भी नजर आ रही है, जिसको लेकर यहां पर ये मृतक के परिजनों को और बच्चों को आर्थिक सहायता और यहां मुआवजे की मांग को लेकर यहां पर यहां पहुंचे हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, क्या मांगे हैं आपकी? पहले तो जांच की जाए पूरी। हमारी मांगे हैं कि पूरे गाँव में लापरवाही, विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण पूरे गाँव में विद्युत दौड़ा है। इस कारण अनेक विद्युत विभाग फॉल्ट हुए। हमारी मांगे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मेरे बड़े भाई का, बड़े पापा का लड़का है, उसके छोटे छोटे बच्चे, चार छोटी बच्चियाँ हैं, एक छोटा बच्चा है और उनके पिताजी भी नहीं है। कुछ वर्षों पहले छोटे भाई की डेथ भी हो गई थी एक्सीडेंट में और मैं यही चाहता हूँ कि एक महिलाओं को नौकरी दी जाए और 50,00,000 का मुआवजा दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है बड़ी संख्या में जिले भर के जो समाज के लोग यहाँ पर विद्युत कार्यालय के बाद पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर यहाँ पर घोर निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुआवजे की मांग को लेकर है, बड़ी संख्या में जिले भर के समाज के लोग और चनार के जो ग्रामीण है वो यहाँ जीएसएस के बाद घिराव कर रहे हैं और मांगे को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। सहयोगी राहुल के साथ मगन प्रजापत, सच बेधड़क, आबू रोड।